सो हे गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके ला गया हूँ कुछ और डायनासोर मोड फॉर माइनक्राफ्ट। क्योंकि गाइस, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी डायनासोर मोड माइनक्राफ्ट के बारे में, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया मुझे, और थैंक यू सो मच उसमें 1K व्यूज़ करवाने के लिए। मतलब आ ही गए यार 1K व्यूज़ बहुत टाइम के बाद। और आई होप कि आप इस वीडियो में भी वैसा ही सपोर्ट दोगे, और अगर वीडियो भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि हम हैं 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज। एंड आई होप कि वो जल्द से जल्द हो जाएंगे, क्योंकि मैं आगे ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा डायनासोर का कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा मैं। तो प्लीज़, जो अगर आपको डायनासोर की वीडियो है, गेम्स पसंद है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप बढ़ते हैं अपने कुछ और नए डायनासोर मोड की तरफ। सो गाइस, जो नंबर 1 पे हमारा डायनासोर मोड आता है वो है माइन जुरासिक। और गाइस, ये मोड मैंने पर्सनली खेला है और मुझे काफ़ी पसंद आया है मोड, क्योंकि इसमें जैसे आपने जुरासिक क्राफ्ट अगर खेल लिया है तो आपको पता होगा कि जो उसमें जो गेम है, मतलब जो उसमें डायनासोर स्पॉन करने के लिए हैं, वो काफ़ी कम है। मतलब उतने ज़्यादा डायनासोर नहीं है उसमें। लेकिन जो माइन जुरासिक है, उसमें गाइस आपको बहुत ज़्यादा डायनासोर की स्पीसीज देखने को मिलेगी। और गाइस, इसमें आपको आइस एज के मैमल भी देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा मोड है, क्योंकि अच्छा मोड है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना, अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा भी इंटरेस्ट आया इस मोड के बारे में, तो ट्राई कर सकते हो आप। सो गाइस, अब अपने सेकेंड मोड की तरफ बढ़ते हैं, डायनासोर डायमेंशन मोड। अब गाइस, डायनासोर डायमेंशन मोड काफ़ी कमाल का मोड है, क्योंकि आपने एनी डायमेंशन मोड अगर खेला है, मतलब खेला होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें आप किसी भी चीज़ से कुछ भी बनाते हो। जैसे वुड का अगर आप पोर्टल बनाते हो, जैसे नेदर पोर्टल बनता है वैसी बनाते हो, तो उससे वुड का पूरा पोर्टल खुलता है, जहाँ सिर्फ वुड ही वुड होती है। वैसे ही इसमें कुछ 3-4 पोर्टल होते हैं जिसमें अलग अलग डायनासोर होते हैं, और आपको वहाँ जा कर सर्वाइव करना पड़ता है। गाइस, मैंने ये मोड खेला तो नहीं है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो बहुत सारी देखी है, तो मेरे को ये काफ़ी पसंद आया, और मैं इसे खेलने की सोच रहा हूँ कि करके एक बार ज़रूर खेलूँगा। तो आप भी इस मोड को खेल सकते हो, क्योंकि काफ़ी सही मोड लगा मेरे को। अगर आपको देखना है तो YouTube में ट्यूटोरियल है, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो ये मोड भी ज़रूर ट्राई करना। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट मोड है, उस मोड का नाम है मोडजोइक। हाँ गाइस, इस मोड का नाम है मोडजोइक, एंड इसमें आपको जो डायनासोर कैनेडा में रहा करते थे वो देखने को मिलेंगे, वो भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस के। तो इसमें आपको हर्बीवोर, कार्निवोर्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ और एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे जो वहाँ रहा करते थे। एंड इसमें आप डीएनए की मदद से कुछ और नए डायनासोर भी बना सकते हो, जिन्हें बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। भले ही मेरे को आते नहीं है बनाने, लेकिन यूट्यूब में काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं जिसमें आप देख के बना सकते हो। तो गाइस, इस मोड को भी ट्राई करना, इस मोड का नाम है मोडजोइक। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। गाइस, आज की वीडियो का जो फोर्थ एंड फाइनल मोड है वो है प्री हिस्टोरिक एक्लिप्स। एंड गाइस, ये डायनासोर जो मोड है, ये दूसरे डायनासोर मोड से थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो इसमें आपको कुछ चेस्ट देखने को मिलेगी, 2-3। एक में तो होंगे लैंड एनिमल्स, एक में होंगे मरीन या वाटर एनिमल्स, जो भी कहो वो होंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें जो आपको चेस्ट मिलेगी उससे आपको डायनासोर स्पॉन करने हैं। एंड इसमें एक डायमेंशन वाला पोर्टल भी होगा, जिसमें आपको दूसरे वर्ल्ड में जाना है, मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड होगा, दूसरी डायमेंशन। वहाँ जाके आपको डायनासोर के डीएनए इकट्ठा करने हैं, और अपने जो नॉर्मल रियल वर्ल्ड है वहाँ जाके आप उन नए डायनासोर को क्लोन कर सकते हो, ऐसा करना है आपको। और इसमें डायनासोर की कमी नहीं है, डायनासोर इसमें भर भर के हैं, एंड इस मोड को खेलने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये है डायनासोर मोड का पार्ट 2। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हाँ, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन याद कर देना यार सब्सक्राइब। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, होने वाले हैं। ये भी मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, लेकिन कर देना यार सब्सक्राइब प्लीज़। सो मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर और बाय बाय।